नमस्कार। यूं तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर थम गया है, लेकिन अब लैंडस्लाइड के मामले सामने आने लगे हैं। सूबे की राजधानी शिमला में आज सुबह लैंडस्लाइड हुआ और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए IGMC अस्पताल में भेज दिया गया है। अभी घटनास्थल पर और भी मजदूरों के काम करने की सूचना है। पुलिस के मुताबिक क्रशर के पास पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड होने की सूचना मिली थी। सुबह के तकरीबन 4 बजे हुए इस लैंडस्लाइड से क्रशर की साइट पर हड़कंप मच गया और भारी भरकम पत्थरों की चपेट में आकर दो मजदूर दब गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करने में लग गई। शिमला के SP संजीव गांधी ने बताया कि दो मजदूरों के दबने से मौत हुई है, 5 को बचा लिया गया है। मृतक मजदूरों की शनाख्त कर ली गई है। मृतकों की पहचान राकेश और राजेश के रूप में हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले थे और यहाँ पर मजदूरी करते थे। इसके अलावा SP ने कहा कि लैंडस्लाइड के कारण हादसा सामने आया है, ऐसे में इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले हिमाचल में कल यानी सोमवार को दो बड़ी बड़ी जगहों पर चट्टानें हाईवे पर गिर गई थी। पहले मुलिंग नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से रोड बंद हो गया। इसी तरह बर्फबारी के चलते सोमवार शाम तक प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे और 675 सड़कें बंद हो गई थी। कुल 1416 पावर ट्रांसफार्मर ठप होने की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर इसका असर पड़ा। उसके बाद किन्नौर के चौरा गेट के पास बड़ी चट्टाने हाईवे पर आ गिरी। अभी यहाँ हाईवे बहाली के प्रयास जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओमकार शर्मा ने बताया कि हाल फिलहाल की बारिश या बर्फबारी से अब तक प्रदेश को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आपदा के नुकसान कम करने के लिए योजना तैयार की गई है और आने वाले 3 साल इस पर 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नई मशीनरी की भी खरीद की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल हिमाचल में 11 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।